दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका मैं बैक टू बैक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वीडियो जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसी क्रम में आज एक नया वीडियो आपके लिए ये रहा आपके डीसी मोटर का। डीसी मोटर में अपन आज एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है यहाँ पर डीसी मोटर। और डीसी मोटर के ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की है, वो है डीसी मोटर में टॉर्क। टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ टॉर्क क्या होता है, जिसे बलाभुन कहते हैं, आर्मेचर टॉर्क, और यहाँ पर बात करते हैं तो शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क दो प्रकार के टॉर्क होते हैं मोटर में, एक तो होता है आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क, एक होता है शाफ्ट पर उत्पन्न टॉर्क। इस तरह की कई स्थितियाँ बनेगी तो जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एक्चुअल में आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि टॉर्क किसे कहते हैं। टॉर्क की बात करते हैं तो बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो ये होता है बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो है वो किसे कहते हैं? टॉर्क होता है इसका मतलब। क्या होता है? टॉर्क। अब टॉर्क का मतलब होता है बल घूर्णन, अर्थात बल के द्वारा घुमाने वाला जो होता है उसको टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क को एक्चुअल में यहाँ टी से व्यक्त करते हैं, किससे? और टी बराबर होता है एफ और आर। एक्चुअल में ये कहाँ से आया मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो टॉर्क की सही परिभाषा है कि वह बल, समझना बात को, यहाँ टॉर्क की सही परिभाषा है कि वह बल जो कि किसी भी वस्तु को उसके केंद्र के परीत घुमा दे। वह बल जो कि किसी भी वस्तु को उसको केंद्र के परीत घुमा दे या केंद्र की ओर घुमा दे, क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। यहाँ पर बात करें तो इसकी ये परिभाषा है। दूसरी होती टॉर्क, एफ बल और आर मतलब देखिएगा किसी भी वस्तु के घूर्णन में, क्या यहाँ पर वह बल जो किसी वस्तु को केंद्र की ओर घुमाता हो, या यूँ कह सकते हैं देखिएगा घूर्णन की बात करते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं, तो त्रिज्या रेडियस मतलब वह बल जो किसी भी वस्तु को उसके रेडियस के, मतलब यूँ समझिएगा कि बल एवं 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 त्रिज्या का गुणनफल, डॉट का होता था गुणनफल क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। गुणनफल टॉर्क कहलाता है। ये रहा आपका टॉर्क वाली, तो टॉर्क कहलाता है। इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पर जो चीजें हैं जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, वह बल जो किसी वस्तु को केंद्र के परित घुमा दे, वह बल जो त्रिज्या एवं बल का किसका हो, बल एवं त्रिज्या का गुणनफल हो, क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो तो टी बराबर होता है एफ आर है। अब टी की बात करते हैं तो टी बराबर जो होता है एफ क्या होता है, आर क्या होता है, यह सबको अपन समझेंगे। तो ऐसी एक स्टेप होती है जिसका अपन बात करते हैं, तो टी का मतलब होता है यहाँ पर टॉर्क, क्या होता है, और एफ एफ का मतलब होता है बल, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो एफ का मतलब होता है फोर्स, क्या होता है? फोर्स। और फोर्स क्या होता है भैया, ये चीज आपको समझ लेना है। फोर्स का मतलब होता है यहाँ पर बल, और बल की अगर बात करना चाहूँगा मैं भाइयों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता है इसका मात्रक जो होता है वो बल, बल बल का मतलब होता है एफ बराबर एम ए, एम ए, एम का मतलब होता है मास, और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये चीज होती है। तो बल का मात्रक होगा यहाँ पर किलोग्राम, क्या होगा देखिएगा, बल की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा बल की बात करें किलोग्राम, किलोग्राम है ना, मीटर, मीटर प्रति, प्रति का मतलब होता है बटा, ठीक है ना, सेकंड, प्रति सेकंड, और सेकंड में भी क्या है दोस्तों, स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो ये रहा अपनी बात करते हैं, किलोग्राम यहाँ आता मीटर, यहाँ आता प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। इसी के बाद अगर आप आगे बात करते हैं तो किलोग्राम रह ही जाएगा, तो किलोग्राम मीटर बटे में आता अपना सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये चीज़ भी अपन लिख सकते हैं, इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को अपन लिखते हैं यहाँ न्यूटन, क्या लिखते हैं, न्यूटन, जिसे अपन एन से लिखा जाता है। अतः ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
कहाँ से कौन सी चीज है ये? अब था आपके पास में आर, आर का मतलब होता दोस्तों रेडियस, क्या होता आर का मतलब होता रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, क्या होता त्रिज्या। और त्रिज्या की अगर बात करो दोस्तों तो त्रिज्या क्या होती है इसको समझिएगा, रेडियस क्या होती है, वह बल जो किसी वस्तु को उसके केंद्र के परित घुमा दे, मतलब यूं समझिएगा तो सरल लैंग्वेज में ये देखो इसको कैसे अपन यहाँ पर ये बता, ये बल है कोई और ये केंद्र है इसका, क्या है तो इसकी और ये बल है, कोई जरूरी नहीं कोई भी हो सकता, ये आर है ये भी आर है। अब यहाँ इस पर जो इसको घुमाने के लिए नीचे की ओर जो बल लग रहा है जिसको बोलते हैं एफ, तो वह तो इसको घुमाने के लिए जो बल लग रहा है क्या लग रहा है, ये बल जो लग रहा है ये आपको जो किसी वस्तु को या यूं समझिएगा सरल और सरल और सरल, ये देखिएगा ये देखिएगा और ये देखिएगा, देखना और ये देखिएगा और ये देखिएगा और ये देखिएगा और ये देखिएगा। तो इस तरह से देखो ये जो यहाँ और यहाँ यहाँ ये सब आर है, आर है, जितनी भी ये सब आर है और इस पर जो बल कार्य कर रहा है ये एफ है, तो वह बल जो किसी भी वस्तु को उसके केंद्र के परित घुमा देता हो, केंद्र की ओर घुमा देता हो क्या कहलाता है, बल क्या कहलाता है, टॉर्क बल आघूर्ण कहलाता है, बात समझ में आई ना, इसको बोलते हैं बलाघूर्ण। तो टी बराबर होता है एफ डॉट आर, डॉट का मतलब होता है गुणन और यहाँ आर का मतलब त्रिज्या, मैंने आपको पहले बताया था त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका मात्रक होगा मीटर, क्या होगा मीटर, मीटर को किससे लिखते हैं एम, आपको पहले भी जिक्र किया है मैंने, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों मीटर है ना, लेंथ का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या है मीटर, मीटर ऊंचाई का मात्रक क्या है मीटर, गहराई का मात्रक क्या है मीटर, परिधि का मात्रक क्या है मीटर, डाया का मात्रक क्या है मीटर, व्यास का मात्रक क्या है मीटर है ना, यंगेस्ट टर्म मतलब बात करते हैं दूरी का मात्रक है मीटर, विस्थापन का मात्रक है मीटर, वेवलेंथ का मात्रक मीटर है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक है मीटर, क्या है मीटर है ना, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक है मीटर है ना, देखो ऊंचाई और गहराई परिधि इन सब का मात्रक है मीटर, तो यहाँ पर रेडियस का मात्रक भी मीटर है तो त्रिज्या का मात्रक भी क्या होगा मीटर, इन सब का मात्रक मीटर होता है एसआई पद्धति में, तो ये चीज आपका समझ में आएगी इस तरह से। अब दो चीज अपन को मिल गई तो अपन को यहाँ पर टॉर्क ज्ञात करना है, तो टॉर्क का क्या मात्रक होगा ये चीज देखना पड़ेगा, तो टॉर्क के बराबर आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को अपन यूं लिख सकते हैं यहाँ भाइयों सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता, टी को तो टी लिख सकते हैं और इसकी जगह मैं यहां लिख सकता हूं एफ की जगह इसका मात्रक ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख सकता हूं इस एफ की जगह, तो लिख दूं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर चलेगा, तो इसको अपन इस तरह से लिख दिया। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो लिख दिया लेकिन ये हल हुआ केवल एफ वाला भाग, अब अगर बात ये आर वाला तो त्रिज्या का मात्रक मीटर होता तो त्रिज्या ऊपर है तो मीटर तो एक ऑलरेडी एक और था, ये ऑलरेडी एक था तो इसमें एक और मीटर डाल दिया तो मीटर और मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, देख रहे हो ना भाई, देखिएगा मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि मीटर और मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्लियर कीजिएगा इसी चीज का अगर जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अब नीचे से ऊपर अगर ले जाते हैं तो ये हो जाता है सेकंड माइनस के दो, क्या हो जाता है सेकंड माइनस, नीचे से जब कोई भी संख्या ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो ये ऊपर गए क्या हो गया माइनस का हो गया, तो ये चीज आप क्या, तो यहाँ पर इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये चीजें हैं मीटर में भी स्क्वायर है क्या है। अब यहाँ अगर इसको सरल लैंग्वेज में लिखना है तो टी बराबर होता एफ आर, क्या होता टी बराबर क्या होता है एफ और आर, अब एफ का मात्रक होता है इसको न्यूटन, इन सबको क्या बोल सकते हैं यहाँ इन सबको क्या बोल सकते हैं न्यूटन भी कह सकते हैं, तो इसका तो न्यूटन लिखता है आर का मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर भी इसका मात्रक होता है किसका टॉर्क का, तो टॉर्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या फिर इसको बोलो डिटेल में अगर जाते हो तो इस तरह से। एक और चीज इससे ही संबंधित है जो आपको बताना चाहता हूँ, तो W W तो सुना होगा, तो W का मतलब होता है कार्य और W बराबर होता है F और S, S का मतलब डिस्टेंस या फिर D, D का मतलब भी डिस्टेंस, तो W बराबर F S, तो W का मतलब यहाँ पर देखेगा इसका कार्य यहाँ पर क्या होगा मात्रक होगा क्या होगा, तो यहाँ इसका मात्रक होता है जूल, जूल बराबर क्या होगा बल का मात्रक वही न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होगा यहाँ विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर को ही अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं जूल कहते हैं, अतः टॉर्क का मात्रक भी क्या हो सकता है जूल भी हो सकता है, जूल भी होता है, तो टॉर्क का मात्रक जूल भी हो सकता है, कार्य का मात्रक जूल हो सकता है, कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, टॉर्क का मात्रक क्या होगा जूल, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा जूल, क्या होगा जूल, कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, वर्क का मात्रक क्या होगा जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा जूल, ऊष्मा का मात्रक क्या होगा जूल,
ध्यान रखना, इस टाइप से जो है छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पर क्लियर और क्लियरिफाई करके एक चीज को बता रहा हूँ, ये चीज आप देख लेना। इसका मतलब ये हो गया कि इससे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, उतार लिया करो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट के रूप में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चला जाया करो, वहाँ पीडीएफ मिल जाती है। और पीडीएफ अगर नहीं भी मिलती कुछ में, तो आप ध्यान रखो बुकलेट मंगा लो, आजकल तो उसमें सारी आएगी जो आज से लिखी हुई है, उस बुक को मंगवा लीजिए jugalsar.com पे जाकर के, या फ्लिपकार्ट से जहाँ से उचित लगे वहाँ से, तो आपको वो मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसी में आता आपका न्यूटन मीटर का सारा क्लियर हो गया। अब आपके क्वेश्चन कैसे आ जाता है, यूँ आ जाता है क्वेश्चन, मान लीजिए सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किसी भी शाफ्ट पर 10 न्यूटन का बल लगा करके उसे 4 मीटर के राउंड में घुमाया जाता है, 4 मीटर की त्रिज्या के साथ में घुमाया जाता है, तो उत्पन्न कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 मीटर का बोला, टी बराबर हो जाता है यहाँ, तो ऐसा मान लीजिए 10 न्यूटन लगाया, यहाँ पर मीटर कितना घुमा दिया उसको 5, तो बराबर कितना हो गया 50, क्या हो गया जूल। इस तरह से ये टॉर्क आपका हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन मीटर हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। अब ये तो था टॉर्क के बारे में बेसिक चीजें, सारी के सारी की टॉर्क क्या होती है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म क्या होता है, तो केंद्र की ओर घुमाने वाला भाग क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, जिसे टॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का सही शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, सरल भाषा में समझा दिया, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है यहाँ पर, एफ और आर, इसी तरह से यहाँ पर डब्लू कार्य बराबर होता है एफ और डी सेम, दोनों में तुलना कर लिया अपन ने, इसके आगे अपन बात करना चाहेंगे, दोनों को समझाया मैंने। अब बलागुण की तो बात समझ ही गए आप, लेकिन बलागुण भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के अगर बात करते हैं तो पहला आता आपका आर्मेचर टॉर्क, क्या आता, दूसरा आता शाफ्ट टॉर्क। अगर इसमें भी बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्मेचर और दूसरा शाफ्ट। अपन दोनों को समझते हैं, पहला आता तो आर्मेचर टॉर्क, क्या आता, आर्मेचर टॉर्क। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो आर्मेचर टॉर्क का मतलब क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर बलागुण क्या होगा, आर्मेचर बलागुण। देखिएगा आर्मेचर टॉर्क की बात करते हैं, बलागुण की बात की जाए तो क्या होगा आर्मेचर बलागुण, यहाँ इस पर जिक्र करें, एक होता सॉफ्ट टॉर्क, कौन सा होता, सॉफ्ट टॉर्क। दोनों को अपन विस्तार से क्लियर करते हैं, तो सॉफ्ट टॉर्क क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, ये चीज अपन क्लियर करते हैं। सॉफ्ट टॉर्क मतलब होता है, सॉफ्ट टॉर्क की बात करते हैं तो सॉफ्ट पर जो टॉर्क उत्पन्न होता है, बलागुण जो उत्पन्न होता है उसका अपन जिक्र कर रहे हैं। अब समझना है ये रहा सॉफ्ट टॉर्क बलागुण। अच्छा आर्मेचर टॉर्क का अपन जिक्र कर लिए हैं और सॉफ्ट टॉर्क का अपन जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद दोनों का अपन विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके क्लेरिफाई करते हैं, देखिए क्या होता है, दोनों को स्पष्ट करते समझेंगे। शाफ्ट टॉर्क किसे कहते हैं, आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं, आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क को आर्मेचर टॉर्क कहा जाता है, शाफ्ट में उत्पन्न टॉर्क को शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। अब आर्मेचर टॉर्क होती क्या है इसको ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा आर्मेचर टॉर्क द्वारा क्या होता है कि इसको अपन समझते हैं तो क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या कंडीशन होगी। तो इसको बोलते हैं कुल टॉर्क, क्या बोलते हैं, कुल टॉर्क, जो भी टॉर्क होती है कुल टॉर्क, कुल टॉर्क का ही अगर बात करते हैं तो ये कुल टॉर्क जो है आपकी क्या कहलाती है, आर्मेचर टॉर्क कहलाती है। ये कुल टॉर्क जो है इसका अपन जिक्र करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कुल टॉर्क जो होती है वो आर्मेचर टॉर्क होती है, क्या होती है, आर्मेचर। अब कुल टॉर्क कैसे प्राप्त होती है, किस तरह से प्राप्त होती है, तो यूं देखिएगा आर्मेचर पर प्राप्त जो टॉर्क है वो आर्मेचर टॉर्क कहलाता है, तो जो होता है वो क्या होगा, कुल टॉर्क होगा। अब कुल टॉर्क की कंडीशन आपको समझना है, ये कैसे होता है, इसकी परिभाषा कैसी होती है, यहाँ आपको ध्यान रखने की बात है। तो मैं एक नोट डाल के लिखता हूँ जो कि क्वेश्चन इससे पुट अप होते हैं, तो ये समझिएगा आर्मेचर टॉर्क को अपन लिखते हैं आर्मेचर टॉर्क ए, टी तो टॉर्क और ए। अब ये समानुपाती होती, अनुक्रमानुपाती होती किसके, फाई, किसकी बात कर रहा हूँ, फाई और आई और ए, मतलब चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, समानुपाती होती, कौन होती है यहाँ पर, देखिए साफ्ट यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क, तो ये क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब यूँ होता है दोस्तों कि अगर यहाँ ध्यान देने की बात, समानुपाती होती तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ देखना, तो T, T A1, T A2 ध्यान देने की बात है, इसका मतलब ये भी होता है T, देखिएगा यहाँ पर ना फाई
वन, ठीक है भाई वन। अब यहां देख देखना, इस पर जो उत्पन्न होगा इसका ही अपन जिक्र कर रहे हैं बराबर, यहां पर भी ए, तो यहाँ ए आ जाएगा बराबर रहेगा वन, और यहां पर भी क्या आ जाएगा बराबर रहेगा टू, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये देखो ये आई आई ए, आई ए वन, आई ए टू, यहां पर आई ए टू। अब देखो यहां देखिएगा देखिएगा, इसमें जो है आपको क्या लग रही है, समानता लग रही ना, समानता लग रही ना। इस तरह से कहने का मतलब एक तो यूं बन जाता है, एक तो ये दोनों चीज बन जाएगी, इससे यहां ये चीज होती है कि आई वन और टी, और यहां पर टी वन टू बराबर, इसका मतलब होगा यहां पर देखिएगा फाइव ए वन और फाइव ए वन टू, ये चीज तो आपके साथ बन ही गई है, लेकिन साथ में यहाँ ये भी बन जाती है टी ए वन, टी ए वन टू बराबर, यहाँ पर देखो आई ए वन वन और आई ए वन टू, इस तरह से जो है ये है आपके जो है शाफ्ट टॉर्क होती है। इसका मतलब यहाँ पर देखेगा आर्मेचर टॉर्क, यहाँ शाफ्ट, यहाँ पर देखेगा आर्मेचर टॉर्क जो है चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, नॉट में अपन बात कर रहे थे, यहाँ जो है सरल लैंग्वेज में तो ये आता है कि आर्मेचर टॉर्क क्या होती है, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क, टॉर्क शाफ्ट, आर्मेचर टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स एवं एवं आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा के गुणनफल के, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती होती हैं। तो ध्यान रखना यहां पर बात करते हैं, अब इसमें कोई एक चीज कांस्टेंट रखते हैं तो दूसरी चीज आपके बराबर कर देगी यहां पर, तो समानुपाती होती है। अगर यहां पर गुणनफल भी नहीं आए तो सीधा भी आए तो आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट भी आप यहां पर बराबर कर सकते हो। तो यहाँ यू भी बन बन सकता है कि आर्मेचर टॉर्क समानुपाती होगी फाइ, यहाँ पर आर्मेचर के, यहाँ यू भी बन सकते हो आर्मेचर टॉर्क समानुपाती होती है आई ए, ये पर, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप बना सकते हो, तो जिससे कि आपको असुविधा नहीं होगी। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको शाफ्ट टॉर्क के बाद, यहाँ आर्मेचर टॉर्क के बाद शाफ्ट टॉर्क पर क्लिक कर सकता हूँ कि शाफ्ट टॉर्क कैसे होती है, जिस तरह से आर्मेचर टॉर्क का मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये समानुपाती होती है, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या सीधा अनुपाती, ये वर्ड जैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में बड़ा तकलीफ करता है। तो यहाँ पर शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क क्या होता है कि देखिए इसकी परिभाषा भी यहाँ से ही जनरेट होगी शाफ्ट टॉर्क की, तो मैं बताना चाहूंगा कैसे बनेगी। देखिएगा देखिएगा, यूँ कहेंगे शाफ्ट टॉर्क के बारे में तो क्या होता है, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न टॉर्क का कुल अंश क्या होगा, इसकी परिभाषा बनेगी आर्मेचर, आर्मेचर टॉर्क द्वारा, टॉर्क द्वारा, द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न ध्यान रखना, उत्पन्न, उत्पन्न टॉर्क का, उत्पन्न टॉर्क का कुछ अंश, कुछ अंश, कुछ अंश मतलब भाग, कुछ अंश स्ट्रे, स्ट्रे हानियों, स्ट्रे हानियों, हानियों ध्यान रखना, यहां पर कुछ अंश स्ट्रे हानियों के कारण, हानियों के कारण, कुछ अंश हानियों के कारण नष्ट, खत्म, नष्ट हो जाता है, हो जाता है, होता है, हो जाता है। तो जो अभी कुछ नष्ट मतलब कुछ अंश जो नष्ट हुआ है, तो नष्ट जो भाग है क्या है, नष्ट जो भाग है, तो नष्ट की बात करते हैं, तो यहाँ जो नष्ट हुआ है तो नष्ट क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो यहाँ देखिएगा ये है आर्मेचर टॉर्क, क्या है आर्मेचर टॉर्क में से क्या नष्ट हुआ है, सॉफ्ट टॉर्क, इसके बाद जो प्राप्त हुआ है वह है उपयोगी, क्या है उपयोगी, तो उपयोगी जो टॉर्क है अर्थात उपयोगी टॉर्क को क्या बोलते हैं, यहाँ नोट में देखना, उपयोगी टॉर्क को क्या कह सकते हैं, उपयोगी, उपयोगी टॉर्क को क्या, उपयोगी बल आघूर्ण को, बल आघूर्ण को उपयोगी बल आघूर्ण को किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, उपयोगी बल आघूर्ण को क्या कह सकते हैं अपन, इसका भी जिक्र करना है। तो उपयोगी बल आघूर्ण को ही शाफ्ट टॉर्क कहते हैं, शाफ्ट, शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान,
उपयोगी बलागुण को ही सॉफ्ट टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? सॉफ्ट टॉर्क। अब एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी किस तरह से आपको ये प्राप्त हुआ। तो जो उपयोगी बलागुण है वो क्या कहलाता? आपका सॉफ्ट टॉर्क कहलाता है। और सॉफ्ट टॉर्क के लिए देखिएगा यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट के लिए, तो एस एच और टी का मतलब टॉर्क। सॉफ्ट के लिए एस एच और टी का मतलब क्या होता है? टॉर्क। और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके लिए फॉर्मूला है, एक है बी एच पी, जानते हो बी एच पी? बी एच पी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, जो कोई भी यांत्रिक शक्ति होती है जिसे एचपी में लिखा जाता है, तो वो आपके जो है बीएचपी कहलाती है। इनटू यहां पर बात करते हैं तो शॉर्ट कांस्टेंट है। अब इसके बाद क्या आता है? आपको पता है 735 क्या आता है? 735 पॉइंट का आपके ओके एचपी के लिए आया है। अब बटन आपके साथ में क्या आना चाहिए? यहां 2 की जगह तो 2 और पाई की जगह पाई। अब पाई का बात तो आपको जानते हो, एन ये आपके फॉर्मूला बनता है इसका, इसका जो फॉर्मूला रखना है। अब आपको पाई याद रखना है, तो पाई के लिए क्या होता है? तो आप अच्छी तरह जानते हो पाई का मान होता है 22/7, या फिर होता है इसको ये नहीं हो तो 3.14, कितना 14.142, इस टाइप से आपका ध्यान रखना है। ये आपका पाई का मान होता है। कितना मान होता है भैया? पाई का मान। जो आप समझ सकते हो इस तरह से एक एक चीज को क्लियरिफाई करके अपन समझ रहे हैं, जो आपको यहाँ पर क्लियर और स्पष्ट हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि इससे जो है ज्यादातर तो आपको यहाँ आपके इस तरह से जो भी पूछे बी एच पी एच पी जो भी आपसे पूछे है, ये क्या है बी एच पी? क्या है बी एच पी? जो होती है वो यांत्रिक शक्ति होती है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति की एक्चुअल कंडीशन जो मात्रक होता है तो वो क्या आएगा? एच पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन की अगर बात करते हैं तो स्पीड आता है, और स्पीड जो आती है हमेशा आरपीएम में आती है। किस में आती है भैया? आरपीएम में। और अगर बात करते हैं सॉफ्ट टॉर्क क्या आता है, एन के बाद क्या आता है? ये किसका है? एच पी का मान है। एक एच पी की अगर बात करते हैं तो एक एच पी बराबर होता है 746 वाट है ना, या फिर 735.5 वाट। लेकिन ये है एसआई में, और ये है एसआई को बोल सकते हैं एमकेएस। क्या बोल सकते हैं? एमकेएस, जिसको बोल सकते हैं मीट्रिक पद्धति। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। और यहाँ पर आता है ये ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश वाली को तो लेते नहीं अपन, यहाँ कौन सी लेते हैं? मीट्रिक वाली को। तो 735.5 लिखा है, ये देखिएगा 735.5 लिखा हुआ। इस तरह से आपके यहाँ पर होता है। इसके बाद में टी एस एच का मतलब होता है यहाँ पर संट। क्या होता है? और यहाँ पर देखिए सॉफ्ट टॉर्क, सॉफ्ट टॉर्क का मतलब वही होगा न्यूटन मीटर। मात्रक तो सेम ही रहेगा न्यूटन मीटर, टॉर्क चाहे कोई सा भी रहे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अतः दोस्तों यहाँ आपके क्वेश्चन जो आता है वो अलग तरीके से आता है, वहाँ क्वेश्चन आता है वो अलग तरीके से आता है। यहाँ जो क्वेश्चन आया है मैं आपको बता देता हूँ, इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं जिसका जिक्र आपको करा देता हूँ कि कैसे आया था। लास्ट टाइम डीएमआरसी में जो क्वेश्चन यू पूछा गया था, डीएमआरसी 2018 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपके क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पता भी तो चले। यू दिया गया था यदि किसी मोटर के आर्मेचर में, देखना यदि किसी डीसी मोटर के आर्मेचर में धारा का मान बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाता है उत्पन्न कुल आर्मेचर टॉर्क की गणना कीजिए। आर्मेचर बलागुण वहां वर्डी है था, बलागुण की गणना कीजिए। गणना करो भी करो, देखिए क्वेश्चन है आपके। तो वहाँ पर पहला था वहाँ 1/4, ठीक है, दूसरा था 1/4, 1/2, दूसरा था यहाँ पर वहाँ क्या था आधा, ध्यान लिखवा था ऐसे कुछ में लिखा हुआ था ऐसे कुछ में ऐसे लिखा होता, जैसे वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इसका लिखा हुआ था आधा।
अब आधा की अगर बात करते हैं तो आप समझिएगा यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ था दो गुना, क्या लिखा हुआ था, ऐसा वर्ड लिखा हुआ था, और ऐसे भी लिखा आ सकता, कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये चीज आप देखना, आधा दो गुना, और लास्ट में लिखा था यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चौथाई और एक तिहाई, क्या था, एक तिहाई। इस तरह से आपको आंसर करना था। तो आंसर क्या होगा, जब यहाँ बढ़ा करके आप आर्मेचर का मान कितना कर रहे हो, दो गुना करते हो धारा का मान, तो उत्पन्न टॉर्क भी दो गुना होगा, क्योंकि ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, तो आंसर होगा इसका दो गुना। लेकिन एक बार जो एग्जाम में यही था, वहां पर आया था यूं ऑप्शन यही न्यूनतम, क्या था, न्यूनतम ऑप्शन यही अधिकतम, क्या होगा, अधिकतम, और ऑप्शन ये है, ये था आपका यहाँ पर सेम कंडीशन देखना है ना, अधिकतम न्यूनतम, क्या क्वेश्चन देखो, अधिकतम और न्यूनतम, क्या किसका मान, यहाँ टॉर्क का मान, अधिकतम न्यूनतम। अब यहाँ दोगुना कर दिया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉर्क के समान, क्या होता यहाँ पर, धारा के समान, क्या आएगा वहां, धारा के समान, समान, और लास्ट में था यहाँ पर उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब आपको आंसर करना था तो धारा के समान आएगा, धारा बढ़ी आर्मेचर में, तो जिस तरह से धारा के बढ़ा तो उसी तरह टॉर्क बढ़ गया, तो धारा के समान दे दिया, दो गुना देख करके। तो क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग तरीके से किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का कोई भी ये नहीं है कि किस तरह से पूछेगा वो, तो आपको आंसर क्लिक करना होता है। इसमें दो गुना आंसर था, इसमें धारा के मान के समान था, इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, जो आप समझ सकते हो। तो ये था आर्मेचर टॉर्क, क्या था, आर्मेचर टॉर्क, और आर्मेचर टॉर्क को मैंने यहाँ पर देखिएगा जो बताया है आपके, वो बता दिया है यहाँ, ये क्लियर करके वेरीफाई करके पूरा पूरा स्पष्टीकरण इस सूत्र के माध्यम से। अब आपको इक्वेशन न्यूमेरिकल आया था इसमें, तो आप करना चाहोगे तो करो, देखिएगा मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये भी तो ध्यान पड़े, अन्यथा कैसे पता चलेगा। तो यूँ है देखिए क्वेश्चन, कि यदि कोई मोटर 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 जो है, यदि यदि कोई, ध्यान दीजिएगा, कोई डीसी डीसी मोटर मोटर 800 आरपीएम पर घूम रही है और उस समय उसका ईएमएफ उस समय उत्पन्न ईएमएफ का मतलब बैक ईएमएफ ईबी का मान, बैक ईएमएफ मतलब ईबी का, बैक ईएमएफ का मान 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है। यदि मोटर की गति को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, नहीं, बढ़ा करके 1200 आरपीएम कर दिया जाए, तो 1200 आरपीएम कर दिया जाए तो उत्पन्न बैक ईएमएफ ज्ञात कीजिएगा, उत्पन्न विरोधी ईएमएफ ज्ञात कीजिएगा, विरोधी ईएमएफ ज्ञात कीजिएगा, ज्ञात करो लीजिएगा, ये चीज है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, तो एक एक चीज का क्लेरिफाई कर लेना। अब इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो फिर आपको करना होता है स्पष्ट। अब कैसे करोगे दोस्तों, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर करना है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ गीवन है सब चीजें, तो गीवन ना, तो देखिएगा यहाँ जो है सूत्र भी गीवन है, यहाँ स्पीड, अब स्पीड की तुलना किससे करोगे, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, क्योंकि स्पीड किसके समानुपाती होती है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर भी ये चीज आपको ध्यान रखना है, इससे यहाँ पर, और स्पीड के जब समानुपाती होगा तो यहाँ देखिएगा बैक ईएमएफ अगर बात करते हैं तो बैक ईएमएफ का बात करते हैं तो बैक ईएमएफ भी सेम कंडीशन में, जैसे आपके मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला है इसी की तरह आएगा, उत्पन्न ईएमएफ यहाँ ही तो आया था, तो यहाँ देखिएगा इसके समानुपाती होता है टॉर्क के, और इसी कंडीशन की अपन बात करते हैं तो बैक वन ईएमएफ यहाँ पर आता है और ई बी टू यहाँ पर आता है। अब बैक ईएमएफ को देखना है गौर से, किस तरह से क्या क्या चल रहा है, ये चीज आपको मैं यहाँ पर आगे स्पष्ट इसमें क्लियर कर रहा हूँ, और उसी के क्रम में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पीड भी इसमें आएगी एन वन और स्पीड भी इसमें आएगी एन टू, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, लेकिन इसको इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है, तो ई बी का मान क्या होता है, ई बी वन का मान इसमें दिया है, देखिए यदि किसमें यहाँ पर
EB1 का पता नहीं चल रहा क्या, कितना बेकिंग का मान, पहले बोला जिसका मान कितना है 500 वोल्ट, तो बेकिंग का मान दिया है 1 का 500 वोल्ट। अगर दूसरा दिया है यहाँ पर EB2, क्या दिया EB2, EB2 क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। और तीसरा यहाँ दिया है इसमें ध्यान रखने की बात है, वो दिया N1, N1 कितना दिया 800 RPM, तो 800 बराबर 800 RPM। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, N2 कितना दिया है 800 RPM, कितना बढ़ा कर किया 1200 RPM, तो 1200 RPM हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इस तरह से आपके तैयार होता है। अब करना क्या है इसमें, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ जाता है इसको देखिए दोस्तों, तो क्लियर कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके बनेगा। तो यहाँ देखना, अब क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने ये रहा, और इसको इसमें डाल देना है, इतना तो आपको आता ही। E1 का मान कितना दिया है यहाँ 500, ठीक है, बट्टे में क्या दिया E2 आपको क्या करना है ज्ञात करना है, और इसके बाद में N1 का मान कितना दिया है यहाँ 800, और N2 का मान 1200 दिया गया है जो देख रहे हो आप, ये रहा। अच्छा देखिएगा, ये तो सवाल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ यूँ आ जाता अपने सामने कि EB2 है ना, देखिएगा हाँ डॉट, यहाँ अगर बात करते हैं तो 800 क्या आता 800 बराबर में, यहाँ देखिएगा ये आता है 500 × 1200, तो इस तरह से तैयार हो जाता है। अब आपको ज्ञात करना है ईबी, तो ईबी जब ज्ञात करना है तो 500 × 1200 और ये बटे में आपके आ जाता है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर आएगा 800, और 800 की बात करते हैं तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये कट गया यहाँ पर, कितना यहाँ ये 2 बार और ये 3 बार, किससे कटे 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, और ये कट गए 250 बार, कितनी बार 250 बार। अब आपके सामने देखिएगा यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं EB, अब EB की अगर बात करता हूँ तो EB2 याद करे है तो यहाँ 250 × 3, तो यहाँ पर 75 मतलब 7, ये दे 75 और 1 0, तो ये आपके वोल्ट जो है ब्रेकिंग अप हो जाएगा। तो अतः इसका आंसर EB2 बराबर 750 वोल्ट होगा, कितना होगा 750 वोल्ट होगा, ये स्टेप आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम कैसे भी पूछा जा सकता है यहाँ से चल करके वहाँ तक। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ जो क्वेश्चंस आया है ये OFB में आया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, याद होगा आपको है ना, 2018 में था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। एक बार तो यूँ पूछ लिया गया था कि जो है शाफ्ट टॉर्क कैसे प्राप्त होती है, तो शाफ्ट टॉर्क कैसे कहते, तो उपयोगी टॉर्क को ही शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों आपके एक के बाद एक कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊं और कंटिन्यूस हैवी से ही। चिंता मत करो, मेट्रो का पेपर अभी हाल में डेट कोई डिक्लेयर नहीं हुई है, 15 दिन का सिलेबस मुश्किल से बचा हुआ, वो कवर करा दूंगा, हाँ ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, बस बैक टू बैक आप बने रहेगा और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे मेहनत करोगे उतनी ही लगन से आप आगे बढ़ते जाओगे, ये मेरा मानना है। अतः क्योंकि बार बार कोशिश करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दोगुना इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। दोस्तों बढ़ते रहेगा, और आप अपने इस दोस्तों को सभी को इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए दोस्त बेल बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।